Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone and interactive program. My name is Tanvi Khurana और आज के इस social science के program में हम discuss करने वाले हैं the French Revolution. आप सभी ने French Revolution पढ़ा है और कुछ भी doubts हैं आपके मन में तो आप हमसे ज़रूर पूछिए. So this is the French Revolution part 2. Part 1 has already been done and it is there on NCERT Official, our YouTube channel. If in case you have not watched that particular program, please watch it. Hamare saath ek mehman maujood hain, aaiye aapka parichay unse karwana chahenge. We have with us Mr. Sushil Kumar. Swagat hai sir aapka. थैंक यू सो मच सर. सर हैं पीजीटी इन हिस्ट्री केवी असनसोल से, कोलकाता से, और सर हमें बताएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, बहुत सारी जानकारी देंगे. और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए. नंबर है 8800440559. और इस वक्त अगर आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 के माध्यम से, तो नवी कक्षा के सभी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल. हमें ईमेल कीजिए, ईमेल आईडी है dth.class9@ciet.nic.in. थोड़ी देर में इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे. उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दैट वी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर, दैट इज 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudeva Kutumbakam, or should I say the world is one family. तो चलिए इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट टू. पर पार्ट टू शुरू करने से पहले हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर जो हमने भाग एक में किया था, क्या उसका थोड़ा सा ब्रीफ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी मैडम, बिल्कुल. बच्चों, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला पार्ट किया था तो सबसे पहले एक बात की थी, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो माइलस्टोन का काम करते हैं, ना केवल अपने क्षेत्र के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए, ना केवल अपने पीरियड के लिए बल्कि इतिहास और भविष्य दोनों के लिए कहीं ना कहीं उसके कुछ पैमाने बने. फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी ही घटना है जिसके कारण ना केवल फ्रांस में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई बल्कि इसने दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र के लिए लोगों को प्रेरित किया. साथ ही साथ यूरोप के जो सभी आज के जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, जो कभी किंगडम और डचेस में बटे थे, उनको भी यूनाइटेड करने का काम किया. दैट रिवॉल्यूशन इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हम लोगों ने पहले सेशन में कुछ पॉइंट्स पे चर्चा की थी. सबसे पहले हमने देखा था 14 जुलाई 1789 का दिन. ये वो दिन था जिसमें पूरे पेरिस में अस्त-व्यस्तता का माहौल था, एक अलार्म जैसा कंडीशन पेरिस में बना हुआ. इसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिला. क्या हुआ 14 जुलाई को? बास्टिल का किला, जो एक प्रिजन का भी काम करता था, उसको नष्ट कर दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा, और इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई. इसके बाद हमने पढ़ा आखिर ऐसी क्यों परिस्थितियां बनी, अलार्म वाला कंडीशन पेरिस में क्यों क्रिएट हुआ, ये विद्रोही कौन थे, उन्होंने बास्टिल के किले का पतन क्यों किया, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमने एक बात की थी कि सबसे पहले हमें फ्रांस की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को समझना होगा कि 18th सेंचुरी का फ्रांस, उसका समाज कैसा था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसका पॉलिटिकल कंडीशन क्या था. इन सभी टॉपिक्स पे हम लोगों ने चर्चा किया था सेशन 1 में. उसके बाद हम लोगों ने क्रांति की शुरुआत को बढ़ाने वाली वो कौन सी घटना थी, आउटब्रेक का कारण क्या बनी, इस पे चर्चा करना शुरू किया था और उसी से हम आज आगे प्रोसीड करेंगे. देखिए, हाँ जी बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेशन 2 में आज हम क्या पढ़ेंगे. सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
then declaration of National Assembly and the starting of the constitutional monarchy in France, then the declaration of right of men and citizens and major political symbol and its meaning, then end of monarchy and starting of the republic era. ये सभी पॉइंट्स हम आज चर्चा करेंगे. आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं. बच्चों, जैसे कि आपने देखा लेट 18th सेंचुरी का जब हमने समाज के बारे में डिस्कशन किया, उस समय की राजनीति या उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया, तो हमने क्या पाया कि पूरा फ्रांसीसी समाज अस्त व्यस्तता के माहौल से गुजर रहा था, टर्मोइल के कंडीशन से गुजर रहा. हमने देखा कि किस तरीके से फ्रांसीसी समाज लगातार सोशल इनइक्वालिटी का सामना कर रहा. फ्रांसीसी एम्परर थे, उनकी शक्तियां इस तरीके से बढ़ती जा रही थी कि वो लगातार निरंकुश बनते जा रहे थे. द किंग्स वर हैविंग द एब्सोल्यूट पावर्स इन द यूरोपियन पॉलिटिकल सिनेरियो, और इकोनॉमिकल कंडीशन इतना खराब हो चुका था कि पूरी की पूरी फ्रांस की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी और उसने फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस को जन्म दे दिया. और ऐसे ही कंडीशन में लुई 16 फ्रांस के नए एम्परर बने, और एम्परर बनने के बाद उन्हें फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली मिला, जिसके कारण उन्होंने एक नए टैक्स को इंपोज करने का निश्चय किया. और नए टैक्स को इंपोज करने का उनका यही डिसीजन फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना, जो कंटेम्पोररी रीजंस हम कह सकते हैं. आइए हम इस मुद्दे के साथ साथ और जो सेवरल पॉइंट्स होते हैं, हम सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे. सो सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन. बच्चों, अभी बताया मैंने कि लुई 16 जब गद्दी पे बैठे, जब फ्रांस के एम्परर बने, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी साथ साथ आई. क्या? फ्रांस का जो खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वो पूरी तरह से खाली थी. अब इतने बड़े देश, इतने बड़े एम्पायर को चलाना, उसके लिए काफी खर्च की आवश्यकता थी. फ्रांस लगातार युद्ध से गुजर रहा था और ऐसी स्थिति में फ्रांस के ट्रेजरी को भरने की आवश्यकता. ऐसी स्थिति में लुई 16 ने टैक्स को बढ़ाने का निश्चय किया, नए टैक्स को इंपोज करने का निश्चय किया. बट एज पर द ट्रेडिशन ऑफ द एंशियंट रिजाइन ऑफ द ओल्ड रिजाइन ऑफ द फ्रांस, द मोनार्क अलोन कांट इंपोज द टैक्सेस ऑन हिज बिल. यानी फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के रिवाज के अनुसार, के प्रथा के अनुसार, फ्रांस का शासक खुद ब खुद अपनी इच्छा से टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था या नए टैक्स को इंपोज नहीं कर सकता. देन क्या किया जाना होता था? इसके लिए फ्रांस में स्टेट जनरल की एक असेंबली हुआ करती थी, और इसी स्टेट जनरल की असेंबली में यह डिसीजन होता था कि टैक्स का बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज द स्टेट जनरल? द स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव. एक तरीके से कह सकते हैं आज का जो संसद है, एक तरीके से कह सकते हैं इस तरीके से एक बॉडी थी, पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसमें फ्रांस के तीनों स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, जिसके बाद वहां पे एक वोटिंग का ट्रेडिशन होता था, और वोटिंग के पश्चात किसी मुद्दे पे फैसला, खासकर टैक्सेशन के मुद्दे पे फैसला लिया जाता. तो जैसा कि बताया, लुई 16 नया टैक्स लगाना चाहता था या टैक्स को इंक्रीज करना चाहता था, इसीलिए लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की असेंबली की मीटिंग निर्धारित की, एक मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग में नॉर्म्स के अनुसार फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि वहां पे पहुंचे. साथ ही साथ थर्ड स्टेट, चूंकि आकार पॉपुलेशन के मामले में थर्ड स्टेट सबसे बड़ा था फ्रांस में, बच्चों ये मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में, तो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव जो है थर्ड स्टेट की, सॉरी स्टेट जनरल की असेंबली की मीटिंग में पहुंचे. लेकिन पुरानी परंपरा के अनुसार वोटिंग का क्या नियम था कि भले ही संख्या किसी भी स्टेट की कितनी क्यों ना हो, सभी स्टेट को केवल एक एक वोट देने का अधिकार.
अब बच्चों आपको आसानी से पता लग सकता है, एक वोट का अधिकार फर्स्ट स्टेट को है, एक वोट का अधिकार सेकेंड स्टेट को है और एक वोट का अधिकार थर्ड स्टेट को। ऐसे में मेजोरिटी निश्चित रूप से एम्परर के फेवर में जाने वाली है। यही कारण है कि थर्ड स्टेट के लोगों ने इस प्रपोजल का विरोध किया और उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव अलाउड हैं स्टेट जनरल की असेंबली में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बट इन दिस सिचुएशन द प्रपोजल डेफिनेटली वुड नॉट हैव बीन पास एंड दैट्स व्हाई द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। और जैसे ही किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, थर्ड स्टेट ने स्टेट जनरल की जो मीटिंग है उसका बायकॉट कर दिया और उन्होंने अपने सदस्यों के साथ मिलके वो पेरिस के टेनिस कोर्ट में पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपने आप को एक नई नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी और वहां पे उन्होंने शपथ लिया कि वो अब फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाएंगे। और ये जो नेशनल असेंबली जो गठित की गई, बच्चों ये बात ध्यान रखने की है, भले ही बायकॉट की शुरुआत थर्ड स्टेट ने की लेकिन इसको फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के कुछ लोगों का भी समर्थन मिला। ऐसे ही दो बुद्धिजीवी लोग, दो बहुत ही सक्रिय कह सकते हैं फिलोसफर लोग जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे, एक मीराबे और एक अवेसियस, इन लोगों ने भी थर्ड स्टेट का साथ दिया और इस नेशनल असेंबली को लीड करने का काम इन लोगों ने ही किया। आप देख सकते हो बच्चों नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस यहाँ दिखाया जा रहा है साइड में पिक्चर में, ऊपर में अवेसियस है, नीचे मीराबे है। एक अवेसियस जो है एक नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं सेकेंड स्टेट से और जो मीराबे है वो फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी से बिलोंग करते हैं। यानी क्लर्जी और नोबिलिटी होने के बावजूद इन लोगों ने थर्ड स्टेट को उनकी जो जायज डिमांड थी, उनकी जो जेन्युइन डिमांड थी उसका समर्थन किया। अब यहीं पे एक जो फियर का दौर शुरू होता है और जिसके कारण जो रिवोल्यूशनरी पीपल होते हैं वो गुस्से से उन्होंने बास्टिल फोर्ट का पतन कर दिया, उसका अंत कर दिया था, वो क्या कारण था, वो ग्रेट फियर किस बात को लेकर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और जहां नेशनल असेंबली वर्साय के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पूरा जो फ्रांस है वो टर्मोइल की अवस्था से गुजर रहा। उस समय विंटर बहुत चिल्ड हो गया, विंटर बहुत अपने कह सकते हैं शवेर विंटर की स्थिति आ गई और जैसे ही ठंडक बढ़ी उसका दुष्परिणाम, उसका जो बैड इंपैक्ट सबसे पहले पड़ा किस पे, बैड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट जो है जो अनाज का उत्पादन है उस पे इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। अब जैसे ही अनाज के उत्पादन में कमी आई तो ब्रेड की जो कीमत है उसमें लगातार तेजी आई। अब जैसे जैसे ब्रेड की कीमत में तेजी आई, जो बेकरी के मालिक हुआ करते थे उन लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा उठा के ब्रेड्स की कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, कॉमन पीपल अलोंग विद द वुमेन स्टार्टेड टू स्टॉर्म इनटू द शॉप। उन्होंने दुकानों पे धावा बोलना शुरू कर दिया, दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और ऐसे विकराल स्थिति में, ऐसी खराब स्थिति में रूमर बहुत तेजी से फैला कि किंग ने पेरिस में आर्मी की एक ट्रुप बुलाई है जो सभी लोगों को मारने के लिए आई है। और बच्चों आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि ये रूमर इतनी तेजी से फैला कि 14 जुलाई को एक बहुत बड़ी भीड़ ने नाराजगी को दिखाते हुए बास्टिल पहुंची और वहां पे उन्होंने बास्टिल के किले को पतन करके वहां जितने भी मौजूद कैदी थे उनको छुड़ा लिया, उनको मुक्त करा लिया। चलिए जैसे ही बास्टिल के किले का पतन हुआ और इस बीच में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में नेशनल असेंबली सफल हो गई, बढ़ते दबाव के कारण फ्रांस का शासक लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उसने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा
कंट्रोल किया जा सकेगा, यानी अगर उसके पास कुछ शक्तियां होंगी तो जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किंग्स पे कंट्रोल कर सके। और इस तरीके से 4 अगस्त 1789 असेंबली में एक डिक्री पास हुई जिसमें फ्यूडल सिस्टम को अंत करके जो ऑब्लिगेशन और टैक्सेस है उसको भी दूर करने का कोशिश किया। बच्चों आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का पूरा एक ड्राफ्ट एक इमेज के रूप में आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरे फ्रांस के सिस्टम को 3 ऑर्गन्स में बांट दिया गया, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दिखाया जा रहा है। जुडिशरी में जजेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव का हेड जो है वो किंग होता है, एक लेजिस्लेटिव जो होता है वो काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। आप देखेंगे एक और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो किंग को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर किंग्स को भी एक वीटो राइट दिया गया है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही से काम नहीं करेगा तो किंग्स भी वीटो का पावर लगा सकता है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव है वो मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। आइए इसकी कुछ विशेषताएं हम और आगे चर्चा करते हैं। यानी आपने देखा कि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें सारी शक्तियों की शासन की सारी शक्तियों को 3 ऑर्गन्स में बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। किंग को एग्जीक्यूटिव का हेड बनाया गया बट ही वाज टू बी कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेटिव। ऑन द अदर हैंड किंग हैड आल्सो द वीटो पावर। दूसरी ओर एक और लेजिस्लेटिव अगर किंग पे कंट्रोल करेगी तो दूसरी ओर राजा के पास भी वीटो पावर होगा। अब फ्रांस की जो जितनी भी जनता है जो पॉपुलेशन है उनको 2 भागों में बांटा गया, दे वर क्लासिफाइड एज एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। रिच मैन वर कंसिडर्ड एज एक्टिव सिटीजन एंड वर गिवन द राइट टू वोट। केवल अमीरों को वोट देने का अधिकार दिया गया और उन्हें एक्टिव सिटीजन माना गया, जबकि दूसरी ओर जिन लोगों की इनकम बहुत कम थी, जो गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, साथ में जो महिलाएं थी, उन लोगों को पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया, उन्हें एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया। चलिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिक्लेयर्स द राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन। बच्चों एक बात यहां भी आप गौर करेंगे कि चूंकि विमेन को एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस राइट्स को डिक्लेयर किया वो मेन और सिटीजंस के लिए किया गया, इसमें महिलाओं का जिक्र यानी महिलाओं को एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया। सो आप देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बियर इन 1790। और इन राइट्स के द्वारा राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को टैकल करने की कोशिश की गई। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ भी एक इमेज है, इस इमेज में दोनों साइड में एक पिक्चर है, जो राइट साइड का जो इमेज है जो फिगर है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने पढ़ा ये इमेज मेरियाना के नाम से जाना गया। दूसरी ओर लेफ्ट साइड में भी एक इमेज दिया गया है, लेफ्ट साइड में जो इमेज है इट सिंबलाइज द लॉ सिस्टम। बच्चों इसी समय कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सिंबल्स भी ऑर्गेनाइज किए गए थे या उनको अडॉप्ट किया गया। सबसे पहले ये पॉलिटिकल सिंबल्स को क्यों अडॉप्ट किया गया था ये समझना जरूरी है। लेट 18th सेंचुरी तक फ्रांस के पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना तो लिख सकता था ना तो पढ़ सकता। सो इन सच ए कंडीशन इमेजेस के द्वारा पिक्चर्स के द्वारा डिफरेंट तरह के जो विचार थे जो आइडियाज थे उन आइडियाज को इन इमेजेस के द्वारा लोगों तक कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सिंबल्स बनाए गए थे, हम कोशिश करते हैं एक एक करके सबका अर्थ भी समझने के लिए। द फर्स्ट सिंबल वाज द ब्रोकन चेन, आप सभी देख सकते हैं अपने स्लाइड पे टूटे हुए जंजीर की जो है पिक्चर है। इसका मतलब ये था कि अब जो है फ्रांस आजाद हो गया एक तरीके से, ये अब फ्रांस की सभी जनता आजाद है, आजाद तरीके से वो सोच सकती है, आजाद आजादी के साथ वो रह सकती है। सेकेंड द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस,
यानी रड जो होते हैं छड़ों का जो है पूरा बंडल, और इसको किस तरीके से समझाया गया कि अगर हम अकेला रहेंगे तो हमको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन हम सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हमारे स्ट्रेंथ का प्रतीक है, हमारी यूनिटी का प्रतीक है, और कोई भी हमें नहीं झुका सकता। तीसरा इमेज आप देख सकते हैं, द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्रायंगल के अंदर आई है जो लाइट को रेडिएट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब फ्रांस की सारी जनता नॉलेज के लिए क्या हो रही है, अवेयर हो रही है, उत्सुक हो रही है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और ये जो ज्ञान रूपी जो सूरज की किरणें हैं वो जो अज्ञान रूपी जितने भी जो क्लाउड्स हैं सभी को क्या है, दूर भगा दे। नेक्स्ट है स्केप्टर, इट इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। देन आप देख सकते हैं स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। ए रिंग हैज नेवर बिगिनिंग नॉर एंड, दिखाया जा रहा है कि जब रिंग बन जाता है तो इसका ना तो शुरुआत होता है ना तो उसका अंत होता है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे, उसी तरह देख सकते हैं द विंग्ड वीमेन, उसमें देख सकते हैं कि लाव का भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी एक एलिगरी बनाई गई है, कानून को नियमों को भी एक फीमेल पिक्चर के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं एक रेड फार्गेरियन कैप, एक जो स्लेव्स है उनको ये एक स्लेव्स के द्वारा पहना जाता था, और ये एक सिंबल था कि अब वो फ्री होते जा रहे हैं, अब वो स्वतंत्र हो रहे हैं। लास्ट वन इज देख सकते हैं आप द लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट को एक कॉन्स्टिट्यूशन रूपी बुक के रूप में दिखाया गया है कि अब ये जो कानून बनाया गया है वो सभी के लिए एक समान है, सभी लोग कानून की नजरों में क्या है, समान है। लास्ट स्लाइड है मैडम आज के लिए जो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वक्त नहीं है तो क्या आप इसे ब्रीफली समझा सकते हैं प्लीज? मैं बस लास्ट पॉइंट है जी। सो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग की थी उसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अडॉप्ट कर ली गई, लेकिन शीघ्र ही ये स्थिति भी समाप्त होने वाली थी। इसी समय फ्रांस को प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ा और नेशनल असेंबली ने इस युद्ध के लिए वोटिंग का फेवर कर लिया। इस वार के कारण भी फ्रांस को काफी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, और इसका अंततः परिणाम क्या हुआ, लुई 16 को पूरी तरह से गद्दी से हटा के 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से पूरी तरह से मोनार्की का अंत करके फ्रांस को एक रिपब्लिकन स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपने उसके लिए बेहद धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बेहद धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत जल्द द फ्रेंच रेवोल्यूशन भाग 3 लेकर सर हमारे साथ जुड़ेंगे, पर आज के लिए भाग 2 में आपने बहुत कुछ सीखा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। तो इसी के साथ हम ये कार्यक्रम अपना यही समाप्त करते हैं, थोड़ी देर में हाजिर होंगे मैथ्स का एक कार्यक्रम लेके, जहाँ जिस टॉपिक पे डिस्कस होगा वो होगा स्टेटिस्टिक्स भाग 2। तो बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ, और देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।